लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस अब तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आखिरी नबी बनकर के आया, मुझ पर कुरान नाजिल हुआ। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने की वजह बयान फरमाते हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर मेरे बाद इस कुरान को बदल दिया गया तो मेरी उम्मत का क्या होगा और मेरी उम्मत किससे रहनुमाई हासिल करेगी। परवरदिगार के प्यारे हबीब की ये अदा मेरे करीम को इतनी पसंद आई कि महबूब की बेकरारी को दूर करने के लिए इरशाद फरमाया, महबूब गम न करो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, बेशक हमने ही कुरान नाजिल किया है और हम ही हिफाजत करेंगे। महबूब गम न करो, तुम्हारी उम्मत के लिए इस कुरान की हिफाजत हम करेंगे ताकि तुम्हारी उम्मत इस कुरान से रहनुमाई हासिल करके अपनी दुनिया भी संवार ले और अपनी आखिरत भी संवार ले। लेकिन आप जरा देखें, जिस उम्मत के लिए हुजूर रो रहे थे, जिस उम्मत के लिए ताबदारे कायनात अश्कबार थे, आज उस उम्मत की सिचुएशन यह हो गई कि उसी किताब से इस उम्मत का ताल्लुक टूट चुका है, इसी किताब से उस उम्मत का ताल्लुक टूट चुका। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम, दुनिया की बेचैनी हो या कब्र की बेचैनी हो या महशर की बेचैनी हो, हर बेचैनी का इलाज कुरान है, कुरान है और कुरान है।